लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे हाइपो थायरॉइडिज्म कंट्रोल करने के लिए डाइट से हटाएं ये 9 चीज़ें। मैं आपको बता रहा हूँ इसके नुकसान। तो आइए शुरू करते हैं। थायराइड एक ऐसी स्थिति है जिसमें ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है। यह स्थिति शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है और कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे थकान, वजन बढ़ना, त्वचा की समस्याएं और मानसिक स्थिति पर भी असर डाल सकती है। थायराइड ग्रंथि का सही तरीके से काम करने के लिए उचित आहार का सेवन बहुत जरूरी है। अगर आप खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे थायराइड की कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सफ़ेद ब्रेड, मीठी चीज़ें, सोया उत्पाद थायराइड के लक्षणों को ये चीज़ें बढ़ा सकती हैं और थायराइड हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा प्रोसेस फूड्स, अल्कोहल, कैफीन और फास्ट फूड भी थायराइड के लक्षणों को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट से हटाकर आप अपनी थायराइड की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फास्ट फूड में उच्च मात्रा में ट्रांस फैट्स और एडिटिव्स होते हैं जो शरीर की सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं। थायराइड में ये मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है, थायराइड हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकता है। इसे डाइट से हटाना जरूरी है ताकि थायराइड की कार्य प्रणाली सही बनी रहे। दूसरा, सोया उत्पाद। सोया में फाइटो एस्ट्रोजन होता है जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित करता है। थायराइड में सोया उत्पादों का ज़्यादा सेवन हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकता है और थायराइड की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। इसे डाइट में सीमित मात्रा में ही शामिल किया जाना चाहिए। ब्रेड, कई प्रकार के ब्रेड जैसे सफेद ब्रेड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है जो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है। थायराइड में इस शरीर में सूजन बढ़ा सकता है और मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है जिससे वजन बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही डाइट से हटाकर शरीर की सेहत में सुधार किया जा सकता है। ब्रोकली या फूलगोभी, ब्रोकली, फूलगोभी और सलगम, अनशलजम जैसी सब्जियां गोइट्रोजेंस से भरपूर होती हैं जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन में रुकावट डालती हैं। कच्चे रूप से इनका सेवन थायराइड में हानिकारक हो सकता है। इन्हें पकाकर खाएं तो ये थायराइड को नुकसान नहीं पहुंचाती है। प्रोसेस फूड में ट्रांस फैट, सोडियम और एडिटिव्स होते हैं जो शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं और थायराइड के काम को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये हार्ट की सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। थायराइड के लक्षणों को और भी बढ़ा सकता है। इन्हें डाइट से तुरंत हटा देना चाहिए। फ्रूट जूस, बोतल बंद फ्रूट जूस में ज़्यादा चीनी होती है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है और शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकती है। थायराइड में इस तरह के जूस का सेवन ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव का कारण बन सकते हैं। इससे थायराइड हार्मोन के स्तर पर असर पड़ता है, इसलिए इसे सीमित करना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। घर पर आप जूस खुद बना सकते हैं। मीठी चीज़ें, थायराइड में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ सकता है, इससे शरीर चीनी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है। मीठी चीज़ों का सेवन ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव का कारण बनता है जो थायराइड को प्रभावित करता है। इसका ज़्यादा सेवन थायराइड के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अल्कोहल थायराइड हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित करता है और हाइपोथायरॉइडिज्म के लक्षणों को बढ़ा सकता है। ये शरीर में सूजन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, इसलिए इसे
सीमित करना चाहिए या पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। कैफीन, कैफीन का सेवन थायराइड हार्मोन के उत्पादन में बाधा डाल सकता है और हाइपोथायरॉइडिज्म के लक्षणों को बढ़ा सकता है। ये शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को स्तर बढ़ा सकता है जो थायराइड की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।